हजारीबाग शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात प्रभारी के द्वारा चलाया गया वाहन जांच अभियान, जिसमें दो पहिया वाहन सवारियों से हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता अपराजिता पांडे ने। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज डेली हर्षित टीवी में। मैं अपराजिता पांडे आज आपको लेकर आई हूँ झारखंड के हजारीबाग के पुराना बस स्टैंड के पानी टंकी के पास, जहाँ पर पुरजोर तरीके से यहाँ के जो प्रशासन पदाधिकारी लोग हैं पुरजोर तरीके से वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। जी हाँ, आम लोगों की सुरक्षा के लिए, सभी लोगों की सुरक्षा के लिए हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग वगैरह चेकिंग अभियान चल रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के पदाधिकारीगण से कि क्या कुछ चेकिंग अभियान में शामिल है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आवाज डेली हर्षित टीवी में। किस चीज की चेकिंग चल रही है? हम लोग नियमित हेलमेट का चेकिंग करते रहते हैं। जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको हमेशा हिदायत किया जाता है कि बराबर हेलमेट पहन के ही चलें, आपकी सुरक्षा के लिए ये है। जानते हुए भी बहुत लोग नहीं पहनते हैं तो उसको रोक करके हम लोग चालान काटते हैं, फाइन लेते हैं। कितना फाइन लगता है हेलमेट नहीं पहनने वाले को? हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का फाइन देना पड़ता है। फाइन देना पड़ता है। ट्रिपल लोडिंग पर? ट्रिपल लोडिंग पर भी 1000 रुपये का फाइन है देना पड़ता है। और फिर चालान देने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है हिदायत देके? हाँ, फाइन कटाने के बाद चालान दे करके छोड़ दिया जाता है, हिदायत किया जाता है। और भी किसी चीज की चेकिंग चल रही है? नहीं, अभी बस इसी का। ये सारी जो गाड़ियाँ इधर जमा है वो अभी के चेकिंग के दौरान की बात है? जी, अभी के चेकिंग का है। तो आप देख रहे हैं कि कितने लोगों की जमात इधर उमड़ पड़ी है, सिर्फ गलतियां करके अपनी सुरक्षा के मद्देनजर ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। लगातार आप जान रहे हैं, देख रहे हैं अखबारों में, चैनल्स में कि लगातार सुरक्षा को लेकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार सजग है और सुरक्षा अभियान चला रही है, वाहन चेकिंग अभियान चला रही है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं इन चीजों को, नहीं ख्याल रखते इन चीजों का कि घर पर उनके परिवार उनका इंतजार कर रहे होंगे। तो बात करते हैं ऐसे ही कुछ लोगों से। आप भी हेलमेट के बिना पकड़ाए हैं? नहीं, हम लंच में आए थे। अच्छा। खाना खाने के लिए हम दो आदमी थे, लंच हम उतर गए हेलमेट पहन कर अपने डेरे में, ये आगे में भी लंच करने जा रहा था, पकड़ा गया। अभी हेलमेट वगैरह लेकर आए, फिर भी सर नहीं छोड़ रहे हैं। हेलमेट लेकर के आए फिर भी नहीं छोड़ रहे? नहीं, फाइन लगेगा ही लगेगा 1000। तो हेलमेट उस समय तो आप नहीं पहने थे ना? नहीं, वो समय नहीं पकड़े। तो उनको हेलमेट दिखाने से आपकी जान बचेगी कि हेलमेट पहन के चलने से, ट्रेवल करने से जान बचेगी? हाँ, ट्रेवल करने से बचेगी। तो आगे से क्या सोचे? हेलमेट पहनेंगे। पहनेंगे बिल्कुल, पीछे वाले को भी पहनाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो और बात करते हैं, आप क्यों ये हो गए? हम मूर्ति रंगने जा रहे थे, कल पूजा है, तो उसी बीच में हमको 500 रुपया एडवांस मिला था, वही फाइन, यहाँ 1000 रुपया बोल रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं, नहीं मान रहा है। फाइन क्यों देने की नौबत आई? ये हेलमेट नहीं पहने थे इसी वजह से। देखिए, आप मूर्ति रंगने जा रहे हैं, हर कोई किसी न किसी जरूरी काम से जा रहा है, बशर्ते यहाँ तक कि कोई ना कोई हॉस्पिटल भी जा रहा होगा, उससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है, लेकिन हेलमेट पहन के चलेगा तो आपकी सुरक्षा के लिए। जी हाँ, ये चीज तो हम मान रहे हैं, लेकिन कभी 2-3 बार हम सुबह से घूर रहे थे इधर, लेकिन उस समय मतलब नहीं पकड़ा। अब तब बिना हेलमेट का घूम रहे थे 2-3 बार, लेकिन नहीं पकड़ा है भैया, और अभी धरा गए? अभी धरा गई है। अब क्या करें, अब किस्मत खराब है, हम मान के चलिए। अब से पहन के चलेगा? अब से पहन के चलेंगे, थोड़ा रिक्वेस्ट कर दीजिए, 500 रुपया हमको छोड़ दे भैया। हम लोग रिक्वेस्ट क्या करेंगे, हम लोग तो भाई आप लोग को समझा सकते हैं कि आप लोग पहन के आइए। अभी आपको भी पकड़े यहाँ पर, तो मैं हेलमेट गाड़ी पर टांगे हैं और हम लोग को भगा दिए कि आप लोग किनारे हट जाइए गाड़ी से, मेरा हेलमेट के यहाँ से ले गया, हम मेडिकल से दवा करा के हम आ रहे हैं। तो हेलमेट आप कैसे छोड़ दिए चाचा? अरे गाड़ी में टांगे, अब जब पुलिस पकड़ लिया तो हम लोग टांग ले। क्यों पकड़ा? हेलमेट पहने में सबको घुसा रहे हैं, भेड़िया थसान तरह, जो हेलमेट पहने उसको भी घुसा रहे हैं और जो नहीं पहने उसको भी घुसा रहे हैं। हम हेलमेट रखे वहाँ पर गाड़ी से, मेरा हेलमेट ले लिया। यहाँ इतना जगह तो है नहीं कि सबको भेड़िया थसान जैसा घुसा दे, कुछ तो गलती किए होंगे। गलती है, हेलमेट पहने हुए हैं, अब सबको घुसा रहे हैं यहाँ बहुत साथ में। कितना लोग बैठे थे आप गाड़ी में? हम सिंगल थे। सिंगल थे, हेलमेट पहने हुए थे? हेलमेट पहने, हेलमेट भी यहाँ पर रखे। हम लोगों को बोला आप लोग गाड़ी से हट जाइए, गाड़ी से हट जाइए, हट गया आप गाड़ी से, थोड़ा हेलमेट मेरे में हेलमेट ले लिया मैडम, थोड़ा सा जो है ना रिक्वेस्ट कर दीजिए कि मेरा हेलमेट ले लिया। देखिए भैया, हम कोई पदाधिकारी है नहीं और हम उसके में कभी नहीं पड़ेंगे, आप सबका सुरक्षा बहुत मायने है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन बताइए हेलमेट मेरा यहाँ से ले लिया। 2 किलोमीटर सामने आए थे, हॉस्टल में आए थे आदमी को रिसीव करने के लिए। भैया, विपत्ति आती है तो 2 किलोमीटर देख के थोड़ी आती है।
चलिए ठीक है, जो है सब गलती हो गई। आपको कौन पकड़े बिना हेलमेट के? नहीं नहीं हेलमेट पहने हुए हैं, हम लोग को ट्रैफिक को देखिए, प्रशासन को हम मानना है, कानून को पालन करना है, तो इनका कानून आपके लिए ही है, सबके लिए कानून, तो हम हेलमेट पहन के हमको घुसाइए तो हम अपने हेलमेट रख के चाबी भी लगा रहे, बोला हटिए गाड़ी से, हटिए गाड़ी, हम लोग हेलमेट रखे। कौन आपको घुसाए हेलमेट पहने हुए? नहीं ये लोग तो नहीं पकड़े, पुलिस लोग पकड़ के हम लोग को घुसाए, प्रशासन यहाँ खड़े थे सर, हमको घुसवा दिया है अंदर करा दिया। लोग नहीं घुसाए? नहीं यही लोग घुसाए। आपके हेलमेट भी चोरी हो गए और पुलिस प्रशासन भी चोरी हो गए? नहीं नहीं यही पर है, सब यही पर है, देखिए चिन्हा देंगे जो हमको घुसाए। कौन घुसाए बुलाइए जरा, पुलिस उधर बाहर है वो घुसाए, और यहाँ हमको लगा के साहब हमको देखे, जो साहब है हमको वहाँ ले गए, वहाँ ले के हमको गाड़ी खड़ा किए, मेरा हेलमेट रख के हम अपने यहाँ खड़ा है किनारे। भैया के भी समस्या का हल होगा, लेकिन आपसे पहले हेलमेट जरूरी नहीं है, भले ही सुरक्षा नहीं देखा जाए। चलिए और लोगों से बात करते हैं, आपसे तो हो गई बात अंकल जी, आप तो सीनियर सिटीजन है, आप काहे पकड़ा गए? हम नहीं पकड़ा है। अच्छा आप पकड़ा ही नहीं है, माफी चाहते हैं। और कौन पकड़ा है इधर? आप इधर क्यों आ गए, आप काहे फंस गए इधर? यहाँ आए थे पोस्ट ऑफिस में, पिताजी काम था, तो मतलब मेरा भैया का बाइक है, हम यहाँ पढ़ाई करते हैं हजारीबाग में, तो बाइक रूम में नहीं था, इसके लिए हम लेके नहीं आए, हमेशा लेके चलते हैं। बाइक ही लेके नहीं आए, हेलमेट पहन के चले आए? नहीं बाइक हमेशा नहीं चलाते हम, तो बाइक रूम में नहीं था, मतलब हेलमेट नहीं था, इसलिए हम नहीं लेके आए, हमेशा हेलमेट लेके चलते हैं हम। इसीलिए आप इधर आ गए, देखिए अब जा रहे हैं हेलमेट उलमेट पहन के, अपील तो यही है कि पहन करके जाएं लोग, हेलमेट उलमेट पहन के आए। तो देखा आपने कैसे लगातार वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है हजारीबाग के पुराना बस स्टैंड पानी टंकी के पास, तो आप सबों से भी यही अपील है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हेलमेट का उपयोग करें, और कोरोना टाइम है तो मास्क का भी उपयोग करें जहां जहां आपके क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप है, और साथ साथ में ट्रिपल लोडिंग ना जाए, कोई ना कोई आपका परिवार घर में इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही यहीं पे वाणी को विराम देते हैं, तो ऐसे ही देखते रहे आवाज डेली हर्ष टीवी, कैमरा पर्सन आरिफ के साथ मैं अपराजिता पांडे, आवाज डेली हर्ष टीवी।